नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर्स का जो है ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता को पढ़ेंगे, जिसमें कुल जो है 4 ग्रैंड स्लैम आयोजित किया जाता है, तो क्रम से जो है हम लोग उसे देखेंगे। और एक प्रश्न जो है पक्का इस परीक्षा में जो है पूछा जाएगा आपका, तो इम्पॉर्टेंट जो भी जो है बताया जाएगा उनके विजेताओं के नाम और उप विजेताओं के नाम जो है आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। तो वीडियो को जो है आप लोग शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो है वह है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो है सबसे पहले जो आयोजित किया जाता है वह ऑस्ट्रेलियन ओपन आयोजित किया जाता है, जो कि जनवरी माह में जो है आयोजित होता है। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं, पहले कॉलम में है स्पर्धा, दूसरे कॉलम में है विजेताओं के नाम, तीसरे कॉलम में जो है उप विजेता के नाम। तो सबसे पहला आपका पुरुष एकल स्पर्धा, तो इसके विजेता रहे हैं नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं, और उप विजेता कौन रहे हैं, तो डोमिनिक थीम, जो कि ऑस्ट्रिया के हैं। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। और सेकेंड जो है महिला एकल जो है, तो इसकी विजेता रही हैं सोफिया केनिन, जो कि अमेरिका की हैं। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 की महिला एकल विजेता कौन है, तो आपका आंसर होगा सोफिया केनिन। और उप विजेता यदि पूछा जाएगा तो हो जाएगा आपका गर्बाइन मुगुरजा, जो कि स्पेन की हैं। तो यह दोनों जो है प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसे याद जरूर रखिएगा, पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच और महिला एकल विजेता सोफिया केनिन, जो कि अमेरिका की हैं। नेक्स्ट है पुरुष युगल, तो यहाँ से जो है बहुत कम ही पूछा जाता है पुरुष युगल, तो देख लेते हैं। पुरुष युगल जो है इसके विजेता हैं जो सैलिसबरी, जो कि यूके के हैं, और राजीव राम यूएसए, ये दोनों जो है संयुक्त विजेता हैं, जो सैलिसबरी यूके के और राजीव राम यूएसए के। और उप विजेता रहे हैं ल्यूक सैबिले ऑस्ट्रेलिया के, और मैक्स पर्सेल यह भी जो है ऑस्ट्रेलिया के हैं। और नेक्स्ट है महिला युगल, तो इसकी जो है विजेता रही हैं टीमिना बाबोस, जो कि हंगरी की हैं, और क्रिस्टीना मलादे नोविक, जो कि फ्रांस की हैं। और उप विजेता के नाम है हसी सुवेई, ताइवान की, और बारबोरा स्ट्राइकोवा, जो कि चेक गणराज्य की हैं। और मिश्रित युगल जो है, मिश्रित युगल विजेता हैं बारबोरा क्रेजिकोवा, जो कि चेक गणराज्य की हैं, और निकोला मैक्टिक, क्रोएशिया की। और उप विजेता जो रही हैं बेथेनी मोटेक सैंड्स, अमेरिका के, और जैमी मरे, यह ब्रिटेन के। तो यहाँ से जो है आप को बहुत कम ही जो है प्रश्न देखने को मिलता है परीक्षा में, सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है तो पुरुष एकल और महिला एकल। तो यह जो याद जरूर रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल विजेता हैं नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं, और ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल विजेता हैं सोफिया केनिन, जो कि अमेरिका की हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद होता है आपका फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन जो है यह 2019, क्योंकि 2020 में जो है यह अभी नहीं हुआ है, तो यह मई और जून में जो है फ्रेंच ओपन आयोजित किया जाता है, तो याद रखिएगा। तो अभी जो है कोरोना वायरस के कारण जो है 2020 में जो है फ्रेंच ओपन आयोजित नहीं हुआ है, तो 2019 का है यह फ्रेंच ओपन। तो इसमें जो है पुरुष एकल विजेता हैं वह हैं राफेल नडाल। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा फ्रेंच ओपन 2019 के पुरुष एकल विजेता कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा राफेल नडाल, जो कि स्पेन के हैं। उसके बाद जो है उप विजेता कौन है, तो डोमिनिक थीम जो है ऑस्ट्रिया के हैं उप विजेता। और महिला एकल विजेता कौन है, तो एस्ले बार्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं, और उप विजेता हैं मार्केदा वोंद्रोसुवा, जो कि चेक गणराज्य की हैं। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा फ्रेंच ओपन 2019 की महिला एकल विजेता कौन रही हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा एस्ले बार्टी, और उप विजेता पूछा जाएगा तो मार्केदा वोंद्रोसुवा, जो कि चेक गणराज्य की हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पुरुष युगल में, तो पुरुष युगल विजेता हैं केविन क्रिएटर, जर्मनी के हैं, और एंड्रियास मेयर्स, यह भी जो है जर्मनी के हैं। और उप विजेता जो रहे हैं जेरेमी चार्डी, फ्रांस के, और फेब्रिस मार्टिन, यह भी जो है फ्रांस के हैं। नेक्स्ट है महिला युगल, तो महिला युगल में विजेता रही हैं तिम्मे बाबोस, हंगरी की, और क्रिस्टीना मलादेने उविच, जो कि फ्रांस की हैं। और उप विजेता रही हैं डुआन इंगिंग, चीन के, और झेंग सेसाई, यह भी जो है चीन की हैं। नेक्स्ट है मिश्रित युगल, तो मिश्रित युगल विजेता हैं लतीसा चान, चीनी ताइपे, और इवान डोडिंग, जो कि क्रोएशिया के हैं। और उप विजेता जो रहे हैं ग्रेबियेला ड्राबोवस्की, कनाडा के, और मेट पैविक, यह क्रोएशिया के हैं। तो आपको जो है याद जो रखना है, इतना सभी जो है आपको याद नहीं रखना है, बस आपको याद रखना है पुरुष एकल और महिला एकल।
पुरुष युगल, महिला युगल और मिश्रित युगल, इन सभी से जो है रेयर केस में जो है प्रश्न बनता है, तो एक बार आपको बस पढ़ लेना है इसे। लेकिन याद जो रखना है आपको, फ्रेंच ओपन पुरुष एकल विजेता कौन है, तो राफेल नडाल हैं, याद रखिएगा। और महिला एकल कौन है विजेता, तो एस्ले बार्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। कभी कभी देश का नाम भी पूछ लिया जाता है, किस देश से उनका संबंध है, तो यह भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फ्रेंच ओपन के बाद आपका होता है विंबलडन ओपन, जो है यह जो है जून और जुलाई में जो है आयोजित किया जाता है, तो यह भी जो है जून जुलाई में आयोजित किया जाता है विंबलडन ओपन। सबसे पहले आपको जो है क्रम से देखा जाएगा तो ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है, जो कि जनवरी में होता है। उसके बाद जो है होता है फ्रेंच ओपन, यह मई जून में होता है। फिर उसके बाद होता है विंबलडन, जो कि जून और जुलाई में होता है। फिर लास्ट में जो होता है वह है यूएस ओपन, यानी कि अमेरिकी ओपन होता है, जो कि अगस्त से सितंबर के बीच जो है होता है। तो विंबलडन ओपन हम लोग देख लेते हैं, तो इसमें पुरुष एकल जो है विजेता नोवाक जोकोविच हैं, जो कि सर्बिया के हैं, और उप विजेता रहे हैं रोजर फेडरर, जो कि स्विट्जरलैंड के हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, विंबलडन ओपन 2019 में पुरुष एकल विजेता कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं, और उप विजेता हैं रोजर फेडरर, जो कि स्विट्जरलैंड के हैं। और नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा, महिला एकल विजेता कौन है, तो सिमोना हालेप, जो कि रोमानिया की हैं, और उप विजेता कौन रही हैं, सेरेना विलियम्स, जो कि यूएसए यानी कि अमेरिका की हैं। तो यह दोनों जो है आपको याद रखना, विंबलडन ओपन 2019 के पुरुष और महिला एकल विजेता खिलाड़ियों के नाम जो है, तो पुरुष एकल विजेता है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं, और महिला एकल विजेता सिमोना हालेप, जो कि रोमानिया की हैं। नेक्स्ट है युगल, पुरुष युगल विजेता जो है जुआन सेबेस्टियन काबेल, जो कि कोलंबिया के हैं, और रॉबर्ट फ्रा, यह भी जो है कोलंबिया के हैं। तो पुरुष युगल आपसे पूछा जाएगा तो जुआन सेबेस्टियन काबेल और रॉबर्ट फ्रा, जो कि दोनों लोग जो है कोलंबिया के हैं। और उप विजेता के नाम जो है पूछा जाएगा तो निकोलस माहूत फ्रांस के हैं, और इडार्ड राजर वेस्लिन, यह भी जो है फ्रांस के हैं। और जो है महिला युगल जो है आपसे पूछा जाएगा तो एस डब्ल्यू सिंह ताइवान की हैं, और बी स्ट्रीकोवा चेक गणराज्य की हैं, और उप विजेता रही हैं जी डेब्रोवस्की कनाडा की, और वाई झू यह जो है चीन की हैं। और मिश्रित युगल विजेताओं के नाम यदि पूछा जाएगा तो आई डोडिंग क्रोएशिया की हैं, और एल चेन जो है यह ताइवान के, और उप विजेताओं के नाम यदि पूछा जाएगा तो आर लिडस्टेड जो है स्वीडन के, और जे ओस्टापेंको यह जो है लातविया के हैं। तो यहाँ भी जो है आपको जो मेन जो है याद रखना है, पुरुष एकल और महिला एकल खिलाड़ियों के नाम याद रखना है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, विंबलडन ओपन 2019 के पुरुष एकल विजेता कौन है, तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के, और महिला एकल पूछा जाएगा विंबलडन ओपन 2019 की महिला एकल विजेता खिलाड़ी के नाम, तो सिमोना हालेप, जो कि रोमानिया की हैं। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अमेरिकी यानी कि यूएस ओपन 2019, यह जो है आयोजित किया जाता है अगस्त और सितंबर में। तो इसमें जो है पुरुष एकल विजेता हैं राफेल नडाल जो है स्पेन के। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, अमेरिकी यानी कि यूएस ओपन पुरुष एकल विजेता खिलाड़ी कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा राफेल नडाल, जो कि स्पेन के हैं, और उप विजेता यदि पूछा जाता है तो डेनियल मेदवेदेव, जो कि रूस के हैं, और महिला एकल विजेता खिलाड़ी का नाम है बियांका एंड्रेस्कू, जो कि कनाडा की हैं, और उप विजेता हैं सेरेना विलियम्स अमेरिका की। तो ये दोनों जो है इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अमेरिकी यानी कि यूएस ओपन 2019 की पुरुष एकल विजेता खिलाड़ी राफेल नडाल, और महिला एकल विजेता जो है वह बियांका एंड्रेस्कू हैं, जो कि कनाडा की हैं। नेक्स्ट है पुरुष युगल, तो पुरुष युगल यदि आपसे पूछा जाएगा पुरुष युगल विजेता के नाम, तो जुआन सेबेस्टियन कबाल कोलंबिया के, और रॉबर्ट फ्रा ये भी जो है कोलंबिया के हैं। और उप विजेताओं के नाम यदि पूछा जाएगा तो मार्सेल ग्रेनोलर्स, जो कि स्पेन के हैं, और हेरासियो जेबालोस, जो कि अर्जेंटीना के हैं। नेक्स्ट है महिला युगल, तो महिला युगल विजेताओं के नाम है एलिस मर्टेस बेल्जियम की हैं, और आर्यन सवालेंका जो कि बेलारूस की हैं। और उप विजेताओं के नाम यदि पूछा जाएगा तो विक्टोरिया आरांजिका बेलारूस की हैं, और एस्ले बार्टी जो है यह ऑस्ट्रेलिया की हैं। मिश्रित युगल विजेताओं के नाम यदि पूछा जाएगा तो बेथानी मेटैक सेंड्स अमेरिका, एवं जो है जेमी मरे यह ब्रिटेन के हैं। तो यह हो गया आपका मिश्रित युगल विजेताओं के नाम, बेथानी मेटैक सेंड्स जो कि अमेरिका के हैं, और जेमी मरे यह ब्रिटेन के हैं।
और उपविजेता का नाम यदि पूछा जाएगा तो चान हो चिंग ताइवान के हैं और माइकल बीनस यह जो है न्यूजीलैंड के हैं। तो जो है आपको याद जो रखना है, यहाँ भी जो है प्रश्न जहाँ से पूछा जाता है तो पुरुष एकल पूछा जाएगा आपका कि अमेरिकी यानी कि यूएस ओपन 2019 का पुरुष एकल विजेता खिलाड़ी का नाम बताइए, तो हो जाएगा आपका राफेल नडाल जो कि स्पेन के हैं। और पूछा जाएगा यूएस ओपन 2019 की महिला एकल विजेता खिलाड़ी का नाम, तो बियांका एंड्रेस्कू जो कि कनाडा की हैं। तो प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि राफेल नडाल ने जो है यूएस ओपन 2019 में किसे हराकर जो है विजेता बने, तो डेनियल मेदवेदेव को हराकर जो है विजेता बने। और पूछा जाएगा महिला एकल विजेता खिलाड़ी जो है बियांका एंड्रेस्कू ने किसे हराकर जो है अमेरिकी ओपन 2019 जीत लिया है, तो सेरेना विलियम्स जो कि अमेरिका की हैं। तो प्रश्न जो है कई तरह से पूछा जाता है, तो याद आपको जो है जरूर रखना है विजेता और उपविजेता कौन रहे हैं। एक प्रश्न जो है और जो है परीक्षा में पूछ लिया था कि अमेरिकी यानी कि यूएस ओपन जो है किस कोर्ट पर जो है खेला जाता है, तो यह जो है हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। जो है यूएस ओपन जो है यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, तो इसे भी जो है याद रखिएगा आप लोग जो है। और विंबलडन ओपन जो है यह घास पर जो है खेला जाता है, तो यह भी जो है प्रश्न जो है याद रखिए, पूछ लिया जाता है कभी कभी प्रश्न कि विंबलडन ओपन जो है वह किस पर खेला जाता है, तो यह घास पर खेला जाता है। और फ्रेंच ओपन जो है यह किस कोर्ट पर खेला जाता है, तो यह मिट्टी पर खेला जाता है, तो यह भी जो है याद रखिएगा फ्रेंच ओपन जो है यह मिट्टी पर खेला जाता है। और जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, यह भी जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है यह हार्ड कोर्ट पर यह भी खेला जाता है। तो याद रखिएगा हार्ड कैट पर जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों जो है हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, और जबकि फ्रेंच ओपन जो है वह मिट्टी पर खेला जाता है, और विंबलडन जो है वह घास पर खेला जाता है। तो ये भी जो है प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो इसे याद जरूर रखिएगा। और क्रम यदि पूछा जाएगा आपका, तो सबसे पहले जो है हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो याद रखिएगा सबसे पहले जो है खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है जो कि जनवरी माह में खेला जाता है। उसके बाद जो है आपका फ्रेंच ओपन खेला जाता है जो कि जो है मई जून में खेला जाता है। उसके बाद विंबलडन खेला जाता है जो कि जून जुलाई में खेला जाता है। तो याद रखिएगा सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन, फिर जो है फ्रेंच, फिर विंबलडन, फिर जो है आपका यूएस ओपन खेला जाता है। तो ये जो है क्रम से इसे भी जो है याद रखिएगा। तो दोस्तों जो है ये था ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिताएं से जुड़े जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि करेंट अफेयर्स के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न जो है पक्का जो है परीक्षाओं में जो है यहाँ से पूछा जाता है। तो दोस्तों जो है वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है टेलीग्राम यदि ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन करके जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके जो है आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।